हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको डबल लेयर का मास्क बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही इजी मैटर है। तो उसके लिए मैं कॉटन का कपड़ा लेके आई हूँ। हम बड़े लोग का मास्क बना रहे हैं, तो उसके लिए हम इसका नाप लेंगे 10.5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको थाली से नाप लेती हूँ। ये मेरा थाली 10.5 सेंटीमीटर है और ये परफेक्ट मास है बड़े लोगों के लिए। तो मैं इस थाली से ही बनाऊंगी, बहुत ही आसानी से मास्क बनेगी, डबल लेयर की मास्क। तो चलिए मैं कपड़े को पहले फैला लेती हूँ और इसमें थाली को अच्छे से फिट कर लेती हूँ। मैं इसमें ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं करूँगी, इसीलिए मैं कोने पे इसको सारे मतलब बराबर करके इसमें निशान दे के मैं इसको कैंची से कट कर लूँगी। और ये मास्क बनाना बहुत ही आसान है, आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और आप घर पे थोड़े से कपड़े ला के आप 5-6 मास्क आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज मैं बता रही हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि लोग भी घर पे आसानी से मास्क बना सकें। तो मेरा निशान लग गया है, मैं निशान गलत चौक से लगा दी हूँ, जिससे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप दूसरे कलर के चौक से निशान लगा लीजिएगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन कैमरे में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं इस कपड़े को कट कर लूँगी अच्छे से। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो स्किप वीडियो को बिल्कुल भी मत करिएगा। और कपड़े को मैं गोलाई में काट लूँगी। और ये देखिए मेरा कपड़ा गोलाई में कट गया है। अब मैं इसको आधा फोल्ड करके इसको भी कट कर लूँगी। हमें कपड़े को 4 भागों में काटना है, तो उसके लिए पहले आधा भाग करके काटना है, फिर उसके आधा करके। आप आगे देखिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो देखिए मैंने इस कपड़े को आधा 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। अब इन दोनों कपड़ों को भी 2 भागों में डिवाइड कर लूँगी, तो मेरा कपड़ा 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। अगर आपके घर मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी सिल सकते हैं, और मशीन है तो कोई बात नहीं, और बहुत ही अच्छी बात है। तो ये देखिए मेरा कपड़ा 4 भागों में कट गया है और इसकी अब मैं करूँगी सिलाई, और ये बनेगा डबल लेयर का कपड़ा। तो जैसे आप देख रहे हैं, हमें ठीक वैसे ही सिलाई करना है, दोनों को गोलाई पकड़ के इस तरह से सिलना है। तो ऐसी दोनों कपड़ों को हमें ज्वाइंट करना है एक एक करके। तो ये दोनों को चलिए मैं मशीन से ज्वाइंट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसमें मैं वाइट कलर के कपड़े से इसको सिलूँगी, अलग कपड़े से सिलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं वाइट से सिल रही हूँ। तो आपको दिखाई शायद ना दे, तो कोई नहीं, आप देख के समझ जाएंगे। तो मैं इसमें डबल सिलाई चला दूँगी, ताकि बाद में निकले ना, आपकी मर्ज़ी है, आप सिंगल भी चला सकते हैं। अब मैं दोनों कपड़ों को ज्वाइंट कर रही हूँ। तो ज्वाइंट करने के लिए सीधा वाला भाग, दोनों कपड़ों का सीधा वाला भाग अंदर रहेगा और उल्टा वाला भाग ऊपर ऊपर रख के इसकी हम सिलाई करेंगे। और लास्ट में हम थोड़ा सा 1-2 इंच छोड़ देंगे, जिस पलटा जाएगा। तो चलिए इसको भी हम ज्वाइंट कर लेते हैं, और इसमें भी मैं डबल सिलाई लगाऊँगी। और वाइट कपड़ा का मास्क बहुत ही अच्छा होता है और गर्मी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो आप ऐसे ही मास्क घर पे 5-6 बना के रख सकते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप चेंज करके भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मेरा कपड़ा सिला गया है, और इसको साइड में मैं थोड़ा सा छोड़ दी हूँ। और हम इस कपड़े में थोड़ा सा कट लगा लेंगे, जिससे अच्छे से ये फोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने 1 इंच बस इसमें छोड़ा है, और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसके अंदर से ही ये फोल्ड हो जाएगा और सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और एकदम फिट बैठ जाएगी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये मास्क। तो
प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए मैं इसको आपको पलट के दिखाती हूँ। इसमें जो कोना निकला हुआ था मैं उसको अंदर करके थोड़ा सा उसको दबा दूंगी। दोनों साइड मैं वैसे ही कर दूंगी जिससे इसका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा और ये बिल्कुल रेडीमेड की तरह दिखेगा। तो मैं इसके दोनों कोनों को अच्छे से दबा दूंगी और इसमें मैं लगाने जा रही हूँ ये रबर। ये रबर मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी और इस रबर को लगाने के लिए मैं जो मेरा पहले वाला मास है मैं उससे नाप लूँगी कि मुझे कितना रबर लगाना है। तो आपके पास भी मास तो होगा ही ज़रूर, तो आप उससे नाप लीजिए कितना लगाना है और उससे थोड़ा छोटा ही लगाइएगा क्योंकि रबर थोड़ा सा फैल जाता है। तो ये देखिए मैं ऐसे ही दोनों साइड सिलाई चला लूँगी। ये देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई चला ली है और आप चाहें तो इसको सुई धागा से भी अच्छे से फिट कर सकते हैं, ये नहीं निकलेगा। तो ये देखिए मेरा मास बन के बिल्कुल रेडी है। तो आई होप आपको भी वीडियो अच्छा लगे। तो मैं ऐसे ही बहुत सारे मास बनाई हुई हूँ। तो देखिए इसमें मैंने ये पट्टी भी लगाई है ब्लैक में रेड कलर की पट्टी और ये छोटा सा मास मेरे बेटे के लिए। ये छोटा वाला मास आप छोटे से प्लेट से बना सकते हैं, बहुत ही फिट बनेगी। तो ऐसे ही मैं घर पे मास बनाती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।